जबकि निप्पल आप लगा करके सो गए थे क्या सीएम बोम्मई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, निप्पल लगाकर मुंह को खामोश बैठती है ये सरकार। तो ये है कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और दूसरा कुछ नहीं। इस जो लॉ को हम जूती की नोक पे रखते हैं, हम इसको खतई नहीं मानेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 25, जिसमें हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम इसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर ये बिल पास होकर अगर एक्ट हो गया तो आने वाले दिनों में SDPI PIL के जरिए से कोर्ट में जाकर इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबु फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय SR कॉन्टिनेंटल होटल। वार कराए मस्जिदों पर, वार कराए मस्जिदों पर, मंदिरों और चर्चों पर, मंदिरों और चर्चों पर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे सरकार नीतीशों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेगी अब की बार। ये जो सरकार है, जो बीजेपी कर्नाटक का सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के जो मदारी सीएम है उसके इशारे पर नाचने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। ये जो सीएम बम्बई है, आए दिन कर्नाटक के अंदर 8 से 10 जगह पर चर्चों पर हमला हुआ जब ये लोग खामोश थे, मस्जिदों पर हमला हुआ जब ये खामोश हैं, और उसके बाद दलितों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पेशाब पिलाया जा रहा है उस वक्त ये खामोश हैं, लेकिन ये कहते हैं कि फोर्सफुल्ली यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जेशन चल रहा है बोलकर, जबकि निप्पल आप लगा करके सो गए थे क्या सीएम बोम्मई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, ये निप्पल लगा कर मुँह को खामोश बैठती है ये सरकार। आप बोले तो रिलीजन जो एंटी कन्वर्जेशन बिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि फोर्सफुल्ली किसी को भी आप नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 25 में ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और हम इनसे जब सवाल करते हैं कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, तो तब ये हमसे पूछते हैं कि ये जो बहुत सारे फोर्सफुल जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से हम इसको बिल लाए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुल्ली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड में है, उसके बाद फिर नया कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और दूसरा कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई आए दिन हर असेंबली में, हर सेशन में एक नया बिल। वो बिल का काम क्या बोले तो सिर्फ दलितों को टारगेट, क्रिश्चियनों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट, किसानों को टारगेट, यही इनका एजेंडा है। तो इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए SDPI पूरे कर्नाटक भर में एहतजाज कर रही है। हम ये सरकार से यही कहते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लेना ज़रूरी है। अगर आप वापस नहीं लेंगे, ये जो सिर्फ प्रोटेस्ट आज जो दिख रहा है, इसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमारे दलित भाइयों को समझना है, दलित भाइयों को इन्होंने कहा है कि हम दलित भाई पागल हैं, कमज़ोर हैं, ये इस बिल में कहा गया है। और इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है, कोई भी रास्ते पर चलने वाला शख्स, कोई भी रास्ते पर चलने वाला शख्स अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट दिया तो उसको 5 लाख रुपये देंगे। ये लोग किसके जेब से देंगे 5 लाख रुपये? और उसके बाद जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा
वो शख्स अपने आप को प्रूफ करना है वो कोई इनोसेंट है। ये ऐसा कानून कौन बनाया? पूरे इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक अगर कानून बना है तो ये कर्नाटक स्टेट के अंदर बना है। ये बहुत ही गलत कानून है। उसके बाद इसके अंदर ये भी कहा गया है जो दलित क्रिश्चियन बनते हैं, जो दलित बुद्धिस्ट बनते हैं, उन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर फ़र्क है इस बिल के अंदर। तो पूरे हमारे दलित भाई इसके खिलाफ एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम कर्नाटका के जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी प्रेयर हॉल हैं, उन तमाम लोगों की सर्वे किया जाएगा और उन पर रेड किया जाएगा। वहाँ पर कितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कुछ चेक किया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। ये सरासर गलत है। इसके अंदर टारगेट, टोटली टारगेट यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, दलित्स, मुस्लिम्स, इन तमाम लोगों को टारगेट करने के लिए ये बिल बनाया गया है। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इस जो लॉ को हम जूती के नोक पे रखते हैं, हम इसको खतई नहीं मानेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 25, जिसमें हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम इसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ इसमें हम समझना है, कांग्रेस और JDS दोनों भी इस बिल के ताल्लुक से कन्फ्यूज कर रहे हैं आवाम को। असेंबली में क्या हुआ? असेंबली में वॉइस के जरिए से वोटिंग की गई। उस वक्त सिद्धरामैया जी को वहाँ पर कानून मंत्री ने क्लियर कहा, ये बिल जो लाया गया है लॉ कमीशन को, सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त अप्रूवल खुद CM सिद्धरामैया दिए थे। सिद्धरामैया ने अप्रूवल दिया था लॉ कमीशन को, उसके बाद कानून बना है। यहाँ पर कांग्रेस भी इसके अंदर खटघरे में खड़ी होती है। उसके बाद रही बात JDS की, कुमार स्वामी ने बाइट्स तो बहुत कुछ दिया है, मीडिया में बाइट्स दिया। जब वोट की वाइस की वोटिंग हो रही थी उस वक्त उनके MLAs कहाँ थे? उस वक्त उनके MLAs पूरे गायब थे। तो ये है कांग्रेस JDS BJP की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। ये आवाम को समझने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुँह तोड़ जवाब आने वाले असेंबली इलेक्शन में देने की ज़रूरत है। ये बिल से नुकसान सिर्फ मुसलमान, दलित और क्रिश्चियन को कैसे है वो एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये तो कानून हर किसी के लिए बना है ना। अगर मुसलमानों का भी जबरन धर्म परिवर्तन होगा तो उनके लिए भी कानून है, हिंदुओं के ऊपर भी इसके ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाएगा। तो सिर्फ मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन को ही इससे नुकसान क्या है? देखिए, ऑलरेडी कानून के अंदर क्या है, आप चोरी नहीं कर सकते। फिर एक बार चोरी नहीं करना बोलकर और एक बार एक बिल बनाने की क्या ज़रूरत है? जब आर्टिकल में लिखा गया है 25 में कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी धर्म का प्रचार कर सकते, कोई भी हो। ये लोग करेंगे ब्राह्मणिज्म का प्रचार, नहीं कर सकते इन्हों, इसीलिए ये लोग टारगेट सिर्फ दलितों को और मुसलमानों को कर रहे हैं। उसके बाद ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड, जो इंडियन पेनल कोड जहाँ पर FIR रजिस्टर होता है, जिस इंडियन पेनल कोड से, उसके अंदर 7 दफ़ा ऐसे हैं ऑलरेडी जहाँ पर कहा गया है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए अलग से कानून लाने की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब टारगेट ये है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, बुद्धिस्टों को, इन तमाम लोगों को टारगेट करना, बेबुनियाद तरीके पे इनको उठाना के एक इनके ऊपर कंप्लेंट डालना, कोई भी। इसके अंदर कैसा है सिस्टम मालूम है? अगर मैं दिल से अगर इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब में जा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या कहा गया, अगर कोई भी मेरे आस पड़ोस वाले लोग अगर मेरे बारे में कंप्लेंट करेंगे तो ये सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो ये सरासर गलत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालुके में DC के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू गवर्नर को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। जो रिसेंटली बेलगाम सेशन में जो एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया है, उस बिल के खिलाफ हम जानते हैं कि कर्नाटक की जो BJP गवर्नमेंट है और यहाँ की जो संघ परिवार है, कर्नाटक को UP के नक्शे कदम पे चलाना चाहती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपका ये जो नाजायज़ मंसूबा है इसको कामयाब होने नहीं देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे कर्नाटक रियासत में एंटी कन्वर्शन बिल के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम मानते हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे जो आर्टिकल में और हमारे जो संविधान में हमें जो फ्रीडम देता है कि हमारे रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। देखिए कितना अजीब वाकया है कि ये बिल कहती है कि अगर किसी हिंदुस्तानी को या किसी कन्नड़िगा को अगर अपने
पसंद का कोई अगर मजहब चुनना है तो डीसी को मेमोरेंडम देना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आ गया? एक आदमी की जो पर्सनल जो फ्रीडम होती है वो कहाँ गई? हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ये बीजेपी वाले ये संघ परिवार बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि जिस तरह से तानाशाही हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर मोदी साहब के अंडर में इंडिया को तानाशाही की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा भी मज़हब इस तरह जा सकते हैं उसको जाने का रोक रखा है। और ख़ासकर बिल में क्या मेंशन करते हैं कि एस सी एस टी को अगर करेंगे तो ज़्यादा जुर्म देना पड़ेगा और उनके लिए 10 साल की सज़ा है। इसका मतलब क्या है कि SC ST के पास कम अकल होती है और यहाँ पर दलितों के ऊपर भी ये जो OBCs हैं उनके पास जो रीजनिंग पावर है, उनके पास जो एनालिटिकल पावर है, जो अपने से जो जानने की और पहचानने की ताकत कम होती है, ये बोलना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज के इस प्रोटेस्ट से यही गवर्नर को यही मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि ये बिल को पास ना किया जाए। अगर ये बिल पास होकर अगर एक्ट हो गया तो आने वाले दिनों में SDPI PIL के जरिए से कोर्ट में जाकर इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी। आए दिन ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार बनी है सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ नज़र आते हैं। इसलिए कि जिनको अवाम ये चाहती है कि कोई ऐसे कानून बनाए जिनके तमाम पेशवाओं पर जो मज़हबी पेशवाओं पर जो गुस्ताखी की जाती है, उनके खिलाफ जो बयान दिए जाते हैं या उनकी बेहरमती की जाती है, उसके ताल्लुक से कानून बनाने की बात कही जाती है, तो वो कानून नहीं बनाया जाता है। बल्कि जो हमारे संविधान के अंदर जो आज़ादी हमें दी गई है कि जहाँ पर हम अपने प्रचार जो अपने इस्लाम का या ईसाई जो अपने इसके तमाम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर जो है वो कानून हमारे संविधान में दफ़ा 13 के अंदर ये चीज़ है कि हमें आज़ादी मिली है कि हम जो है हर तरह से आज़ादी के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कानून बनाकर मुसलमानों को दलितों को एक टारगेट कर रही है। लेकिन इससे जो है मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान जो है हमेशा से यहाँ पर जो है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे रहा है और अब भी हम जो है आगे रहेंगे और इस कानून को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, मौलाना इब्राहिम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय SR कॉन्टिनेंटल होटल।